हालेलुया। आज की सुबह मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ परमेश्वर की दया के विषय पर। पूरी बाइबल में परमेश्वर की दया का वर्णन है, परमेश्वर की दया नज़र आती है, और ये मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। बल्कि किसी ने यूँ कहा कि बाइबल कहती है His mercies are forever, उसकी करुणा सदा की है, और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की दया हमेशा प्रेजेंट है, वर्तमान है, कभी पास्ट नहीं है। आप सोचिए ना, जो चीज सदा की है वो कभी पास्ट हो ही नहीं सकती, भूतकाल हो ही नहीं सकती। सो गुड न्यूज है, परमेश्वर की दया वर्तमान है, प्रेजेंट है, सदा की है। आज की सुबह कुछ पद मैं चाहता हूं आपके सामने पढूं। भजन संहिता 119 और उसका 149 पद, 149 लिखा, अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। मुझे ये पद बहुत पसंद आता है, क्योंकि क्या लिखा है, परमेश्वर की करुणा परमेश्वर की रीति है। आप सोचिए ना, परमेश्वर की करुणा परमेश्वर की रीति है, परमेश्वर का रोज का काम है। इट इज गॉड्स नेचर, परमेश्वर की दया करना ये परमेश्वर का स्वभाव है, उसकी रीति है। एक और पद मैं आपके सामने पढूं, गिनती 14 और उसका 19वां पद, और परिस्थिति यह है जब परमेश्वर इसराइलियों से बहुत नाराज हो गया और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा हट जा, मैं इनको नष्ट कर दूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो मूसा परमेश्वर के सामने जाकर रोने लगा और यूं प्रार्थना करने लगा, देखिए 19वां पद, अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा करता आया है, वैसे ही अब की फिर क्षमा कर दे। हालेलुया। सो कंपेयर करिए, भजन 119 149, परमेश्वर की रीति है उसकी दया करना, और मोसेस ये बात जानता था, मूसा को ये सीक्रेट मालूम था कि परमेश्वर कुछ भी करे लेकिन दया करना नहीं छोड़ता। सो मूसा क्या कह रहा है, प्रभु मिस्र से लेकर आज तक जैसे तू हमें क्षमा करते आया है, उसी रीति से अपनी दया के अनुसार तू हमें फिर से क्षमा कर दे। सो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की दया करना उसके स्वभाव में है, परमेश्वर हमेशा दयावंत परमेश्वर है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप बाइबल में पढ़िए, आपको हर जगह परमेश्वर की दया रिफ्लेक्ट होते दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, नूह के दिन आपको याद है, जल प्रलय के समय आपको याद है, परमेश्वर दुखी है, परमेश्वर पछता रहा है मनुष्य को बनाकर, लेकिन वहीं बीच में एक पद आता, बड़ा सुंदर पद, उत्पत्ति 6:8 है, वहां लिखा है, और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। सबसे परमेश्वर दुखी है, बट देर इज वन मैन, वन फैमिली, जिसके ऊपर परमेश्वर की दया की दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही, और क्या हुआ, वो परिवार बच गया। लूत के समय में, सदोम अमोरा के नाश के समय में आप पढ़िए, उत्पत्ति 19 में आपको साफ दिखाई देगा, परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचा लिया। बल्कि यूं लिखा है कि जब लूत देरी करने लगा तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पत्नी और उसकी बेटियों का हाथ पकड़कर उनको घसीटा और बाहर निकाल दिया, और वहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि लूत के ऊपर थी। परमेश्वर ने क्यों लूत को और उसके परिवार को बाहर किया, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर की मर्सी उनके ऊपर थी। आपको नीनवे का विनाश याद है, जब नीनवे का विनाश परमेश्वर करने जा रहा था और फिर परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, वहां पर भी ये लिखा है परमेश्वर ने उन पर दया की। सो प्रभु के लोगों, इन विपरीत परिस्थितियों में हम किस बात की आशा लगाए हुए हैं, हम किस बात पर डिपेंड कर रहे हैं, किस बात पर हम रेस्ट कर रहे हैं, दैट आवर गॉड इज अ मर्सीफुल God. Hallelujah! हमारा परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है और वो कभी भी दया करना नहीं भूलता। आप और भी घटनाओं को बाइबल में पढ़िए, मैं कम समय में अपनी बात कह रहा हूं इसलिए मैं हर जगह आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप खुद ढूंढ कर देखिए, हर जगह जहां भी परमेश्वर का दंड आया है वहां परमेश्वर की दया भी उभर कर आई है और लोग बच गए हैं। आज मैं 3 लोगों के विषय में आपसे कहना चाहता हूं, 3 प्रकार के लोग जो परमेश्वर की दया को पाते हैं, 3 kinds of people जिन पर परमेश्वर दया करता। और ध्यान से सुने और देखिए कि क्या मैं और आप right candidate हैं परमेश्वर की दया पाने के लिए। पहले प्रकार के लोग जिन पर परमेश्वर दया करता है वो हैं दयावंत लोग।
मर्सीफुल पीपल। मत्ती 5 अध्याय में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। सो अगर मैं और आप दयावंत हैं, अगर हम एक दूसरे पर दया करते हैं, अगर हम गरीबों पर दया करते हैं, अगर हम और नीडी लोगों पर दया करते हैं, अगर हम एक दूसरे पर दया करते हैं, परमेश्वर की दया हमें मिलेगी। दूसरे प्रकार के लोग जिन पर परमेश्वर की दया होती है, राइचियस पीपल, धर्मी लोगों पर परमेश्वर की दया होती है। नू के विषय में यही तो लिखा है, नू धर्मी पुरुष था, इसलिए परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। लेकिन अगर कोई ये कहे, ओ मैं तो धर्मी नहीं हूं, मैं तो सीधी चाल नहीं चल सका, मैं तो परमेश्वर को खुश नहीं कर सका, सो क्या मैं कभी भी दया नहीं पाऊंगा? तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो शायद दयावंत नहीं रहे पास्ट में, या शायद राइचियस नहीं रहे पास्ट में, लेकिन अभी भी उनके पास मौका है अगर वो पश्चाताप करें। तीसरे प्रकार के लोग जिन पर परमेश्वर दया करता है, वो हैं जो पश्चाताप करते हैं। सो देखिए आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आप दयावंत व्यक्ति हैं, परमेश्वर आप पर जरूर दया करेगा, बल्कि आपकी पीढ़ियों पर दया करेगा। अगर आप धर्मी व्यक्ति हैं, परमेश्वर के भय में आप चलते रहे हैं, परमेश्वर जरूर आप पर दया करेगा। लेकिन अगर किसी कारण से कोई कमी महसूस हो रही है, आत्मिक जीवन में कहीं कोई गिरावट महसूस हो रही है, आज अवसर है, पश्चाताप करिए और परमेश्वर की दया आपको भी मिल जाएगी। When we repent, जब हम पश्चाताप करते हैं, हम परमेश्वर की दया को हासिल करते हैं। सो मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा के अनुसार, अर्थात अपनी रीति के अनुसार तू हमारी प्रार्थना सुन ले। दुआ करिए, परमेश्वर की करुणा होगी और आपकी दुआएं जरूर सुन ली जाएंगी। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को जरूर छुटकारा देकर अपनी महिमा करने का कारण प्रदान करेगा। प्रभु आपको शांति दे।